वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारी एक लास्ट आइडेंटिटी रह गई थी इंटीजर से रिलेटेड, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है एक्सपैंड करने के लिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ। सपोज मेरे पास है 7 × 11 = 93। ओके, 7 × 11 = 93। तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 93 × 7 आप इस तरीके से करोगे। तो इसको मेंटली कैसे करें वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं, 7 × 100 - 7, 100 - 7। ओके, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 × 100, इससे भी करेंगे -7 × 7। तो 700 - 49। इज इट क्लियर? आप इसको 50 समझ लो, तो मतलब 650 हो गया, और इसके अंदर एक और 1 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 651। सी, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए स्लो लग रहा है, बट अगर मैं इसको मेंटली करने जाऊँगा तो दिमाग में प्रोसीजर यही रहेगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 93 की जगह पर 100 ही दिखाई दे रहा होगा। तो 7 × 100 700, 7 × 7 49, 49 की जगह 50। तो ये प्रोसीजर दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये एक्सपेंशन का, और भी काफ़ी सारे हम क्वेश्चन इसके रिलेटेड करेंगे, डोंट वरी। एक मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको एक लंबा सा एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा होगा, 3 × 17 + 7 × 17। ठीक है, तो ये लंबा सा क्वेश्चन, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा करना है। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ठीक है, ब्रैकेट को मैं घर बोलता हूँ। पहले घर में 17 और 3 रहते हैं, दूसरे घर में 3 और 7 और 17 रहते हैं। दोनों घर में एक बंदा कॉमन है, तो कौन सा बंदा कॉमन है? 17 कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमें दोनों घर में नहीं रहने देना, उसकी 2 वाइफ्स हैं, सॉरी नॉट अलाउड। हम उसको बाहर निकाल देंगे बिकॉज वो चीटिंग कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 17 को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर आया 3, बीच में क्या है प्लस, दूसरे में कौन बचा 7। तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, चीज़ों को छोटा कर दिया। तो 17 मल्टीप्लाई, बिकॉज ये ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई है, तो 10। तो आंसर क्या आ गया, 170। तो बेसिक प्रोसीजर यही है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। 1.3 एक्सरसाइज ओपन कर ली है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस अलग वीडियो में करेंगे, बट अभी के लिए हम देखेंगे इस 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। और देखो, पहचानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये इसका फॉर्मेट है एक्सपेंडेड फॉर्म का। यहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेशन है 2 नंबर्स का, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा। यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन प्लस, प्लस या माइनस हो मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी हो जाएगा। ये आपका 3rd फॉर्म है जहाँ ब्रैकेट में है एक प्लस माइनस और एक बाहर मल्टीप्लिकेशन। ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी हो जाएगा। लास्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन प्लस और कुछ नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। नंबर है 26 मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का निशान ले रहा हूं मैं, चिंता मत करो, -48 प्लस -48 फिर है मल्टीप्लिकेशन -36। ओके अगर हम इसको प्लस और इसको अलग अलग रखें तो ये आप देखेंगे कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये एक घर है। इज इट क्लियर? गुड, स्टे विद मी। प्लस और माइनस अगर बीच में हो तो मल्टीप्लिकेशन वाला ये एक घर, ये एक घर। ओके दोनों घरों में कौन सा नंबर कॉमन है वो बताइए। यस यू आर राइट, कौन सा नंबर कॉमन है? दिस -48 कॉमन है, उसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। तो -48 को बाहर निकाल दिया। अब पहले वाले घर में कौन रह गया जल्दी बताइए? 26, वेरी गुड। बीच में क्या है? प्लस, वेरी गुड। दूसरे वाले घर में -36 और घर बंद कर दो। ठीक है, उसने क्या करा, दोनों ने मिलकर -48 को घर से बाहर निकाल दिया। अब सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 26 प्लस -36 -48 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस प्लस, तो 480 प्लस का आंसर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, गलती से बड़े नंबर का साइन मत ले लेना, वो प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पर आएगा 480 आंसर। और ब्रैकेट में जरूर लिख देना यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं लिखा तो टीचर मार्क्स काट लेगी, बिकॉज टीचर वांट्स यू टू टेल हर कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। हमारा जो डी पार्ट है वो है -41 मल्टीप्लाई बाय 102। देखो हमारे कैलकुलेशन आसान करने का प्रोसीजर है, ये कोई लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरोस में कन्वर्ट करेंगे। -41 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2। अब एक चीज बताओ, घर में कोई रिलेटिव आता है तो वो सबसे मिलता है, नहीं मिलता? ये आपका रिलेटिव है और ये आपका घर है। अंदर घर में दो लोग बैठे हैं, जब वो घर में एंटर लेगा तो फर्स्ट बंदे से मिलेगा, फिर वो दूसरे बंदे से मिलेगा। अगर एक से नहीं मिला तो नाराज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे आप? अगर वो आपसे नहीं मिल के गया, आई नो कुछ रिलेटिव्स को आप मिलना नहीं चाहते, बट सोचो आपका बहुत अच्छा रिलेटिव है, अगर आपसे नहीं मिला तो आपको सबको मिलाना है जब आप ब्रैकेट ओपन करो। तो उसी तरीके से -41 पे 100 से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, -41 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बीच में क्या सिंबल है इन दोनों के? प्लस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब ये -41 2 से मिलेगा, -41 मल्टीप्लाई बाय 2। उम्मीद करता समझ में आया होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -41 100 और यहाँ प्लस डाल देते हैं पहले, -82। सो इसका आंसर हो जाएगा -4100 -82 माइनस माइनस प्लस, तो 4182 बड़ा कौन माइनस का, तो -4182 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ई पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस माइनस 625 इंटू 65। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? आई नो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो बड़े कंफ्यूजन है। तो ऐसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माइनस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू 5। इज इट क्लियर? माइनस 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस 625 को हम समझेंगे माइनस 1 इंटू 625। ठीक है, समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 625 दोनों में कॉमन है। तो 625 को हम धक्का मारेंगे। ठीक है, पहले नंबर में क्या बचा? माइनस 35 बचा। फिर बीच में साइन कौन सा है? प्लस, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? माइनस 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 65। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, प्लीज इसको रिविजिट करें, बार बार देखें, आ जाएगा। तो 625 माइनस 35 और यहाँ पे आया माइनस 65। 625 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 100, तो आंसर आ गया माइनस 62500। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ई पार्ट, तो ज़रूर इसको रिविजिट करें, एक दो बार करके देखें। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, ज़रूर करें। तो जल्दी से एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट आपका है 7 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 2। बहुत ही सिंपल है, आपके घर में मेहमान आया है तो पहले इससे मिलेगा 7 इंटू 50, बीच में कौन सा सिंबल? माइनस का, फिर 7 जाके इससे मिलेगा 7 इंटू 2। ठीक है, 7 इंटू 5 35, 0 माइनस 14, तो यहाँ पे 140 हो गया, 336 आंसर। जल्दी से जी पार्ट पे चल लेते हैं। माइनस 17 मल्टीप्लाई में माइनस 29। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर 98 के आसपास होता तो हम उसको 100 माइनस 2 कर देते हैं, 102 होता है तो 100 प्लस 2 कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन में किसी भी ऐसे कोई बड़े नंबर के पास नहीं है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये किस नंबर के पास हो सकता है, या इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस 29 जो है माइनस 30 के पास है। ओके, माइनस 30 के पास। सो हम इसको कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं? माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30 प्लस 1। सी, सॉल्व करके माइनस 29 ही आना चाहिए, माइनस 30 प्लस 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। सेम ये इसके साथ जाएगा, माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30। सी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टी यूज करना जरूरी है। कुछ बच्चों का बड़ा मन करता है 29 इंटू 17 सीधा कर देते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी स्टार्टिंग में, शी वाज लाइक कि सर जब मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ तो मैं इस तरीके से क्यों करूँ। आई वाज लाइक, आप 4th या 5th ग्रेड के बच्चे नहीं हो, 2nd 3rd ग्रेड के बच्चे नहीं हो कि आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बोल रहे हैं जब वो सूटेबल प्रॉपर्टी के साथ चाहिए तो सूटेबल प्रॉपर्टी के साथ करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो, बिकॉज मार्क्स उसको उसकी प्रॉपर्टी के नाम लिखने पे ही मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे चलते हैं। बीच में सिंबल कौन सा है? प्लस का, तो यहाँ प्लस डालेंगे, तो माइनस 17 इंटू 1, तो 17 इंटू 3 कितना होता है? 7 3 21, यहाँ पे 2 1, ओके 3 और यहाँ पे 5, माइनस माइनस प्लस 510 माइनस 17 कितना हो गया 490। फिफ्थ पार्ट एज अ टीचर मेरा फेवरेट है, जब भी मैं पेपर बनाता हूं तो ये क्वेश्चन हिट लिस्ट में होता है। ऑब्वियसली इसके डिजिट चेंज कर देता हूं, 57 की जगह 58 कर दूंगा या 68 कर दूंगा, मतलब कुछ भी आपका नंबर हो सकता है, बट पैटर्न यही रहता है। ओके जरा समझने की कोशिश करो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन लग भी क्यों रहा है, बिकॉज यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इज इट क्लियर। बट मल्टीप्लिकेशन है तो नहीं अभी, तो करें क्या उसको लाने के लिए, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने सीखी थी, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद आ जाता है, तो 57 × 1 कर सकते हैं। ओके तो ये देखो ये एक घर में हो गए, ये एक घर में हो गए, जो हम पिछले भी करते आ रहे हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है 57 कॉमन आ जाएगा, पहले वाले में क्या बचा -1, एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, यहाँ का ये -1 बचा, मल्टीप्लाई बाय -19 बचा, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ पे 57 तो बाहर जा ही चुका है, लात मार के इसको बाहर फेंक दिया गया है, यहाँ पे बचा 1, मेक श्योर यहाँ 1 भूले नहीं। ओके 57 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 19 × 1 19 प्लस 1 तो कितना हो गया 57 मल्टीप्लाई बाय 20, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करो, 100 114 0, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैंने जो आखिरी के 3 पार्ट ये जो मार्क करे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आएगा इनमें से क्वेश्चन, आई कैन गारंटी यू फॉर 3 to 4 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू द पेपर मार्किंग स्कीम आपके स्कूल के हिसाब से। बाकी अगर आपको क्वेश्चन आपको देखने हैं एक्सरसाइज 1.3 के या बाकी एक्सरसाइज के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको प्ले लिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो डू वॉच देम। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।